ये रेजिस्टेंस बैंड केवल आर्मरेसिंग के लिए यूज होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतने सारे रेजिस्टेंस बैंड में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, इस वीडियो को देखकर खुद ही चॉइस कर लीजिए। तो गाइस राम राम सा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राइवल रोहित। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों रेजिस्टेंस बैंड के बारे में, जिनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं तीनों ही डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस बैंड है। सो फर्स्ट हम लेते हैं ये वाले रेजिस्टेंस बैंड, जो कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस बैंड है, क्योंकि ये दोनों ओनली रेजिस्टेंस ट्यूब है। आप देख भी सकते हो ये ट्यूब्स के फॉर्म में बनी हुई होती है, पर इनको भी रेजिस्टेंस बैंड ही बोला जाता है। सो हम बात कर रहे हैं इन वाले रेजिस्टेंस बैंड के बारे में, जो कि एक थोड़ा लाइट है तो दूसरा काफी ज्यादा हेवी है। सो इनका यूज आपने ज्यादातर आर्म रेसिंग में देखा होगा। तो आर्म रेसिंग के लिए ये बेस्ट इक्विपमेंट तो है ही, साथ ही इनसे ढेर सारी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बिगनर है तो वो पुलअप्स लगाना सीख सकता है, चाहे आप कुछ ऐसी जगह भी पुलअप्स क्यों ना कर रहे हो, ये आपकी वहां पर भी हेल्प करता है, क्योंकि एक अच्छे सपोर्टर की तरह काम करता है, जो कि धीरे धीरे हमें पुश करता रहता है। नेक्स्ट इससे आप बैक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बाइसेप की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, शोल्डर की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके मसल्स पर काफी अच्छा लोड पड़ता है। तो गाइस मसल से याद आता है, आप भी अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हो, साथ ही अपने वर्कआउट रूटीन में अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको यूज करना चाहिए बेलकोर का एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जिससे कि आपके मसल में वाटर इंटेक लेवल बढ़ता है और आपके मसल को ग्रो होने में मदद करता है, एंड साथ ही इससे आपके वर्कआउट रूटीन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑर्डर करते हुए हमारा कोड जरूर यूज करिए RT10, जिससे कि आपको 10% तक डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने रेजिस्टेंस बैंड की तरफ। तो गाइस ये रेजिस्टेंस बैंड आर्म रेसिंग के लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट माना जाता है, क्योंकि इससे आप अपने जैसे कि टॉप रोल को ट्रेन करने वाली ये एक्सरसाइज, जिसमें आप खड़े होकर कुछ इस तरीके से अपने टॉप रोल को ट्रेन करते हो, सेकंड एक्सरसाइज जिसमें खिड़की या दरवाजे का यूज करते हुए और अपने टॉप रोल और बैक प्रेशर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एंड गाइस इसमें भी आपको दो तरीके के रेजिस्टेंस बैंड दिख रहे होंगे, ब्लैक वाला जो कि एक बिगनर के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे कि बिगनर्स स्टार्टिंग में ज्यादा हेवी लोड तो काफी इजीली इसे ट्रेनिंग कर पाए। सेकंड जिसका साइज भी बड़ा है, ये इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल वालों के लिए बेस्ट माना जाता है, जिससे कि काफी अच्छा लोड आता है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। तो इसके इंपैक्ट से आप देख सकते हो कितना अच्छा लोड आता है इससे। तो दोनों ही बेस्ट है। और गाइस अगर आपके पास ऐसा आर्म रेसिंग टेबल है तो उस पर भी आप काफी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और गाइस आपको मैं बता दूं, हमारे इस आर्म रेसिंग टेबल का फुल डिटेल से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जिसे आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो गाइस ये था अपना आर्म रेसिंग वाला रेजिस्टेंस बैंड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड साथ ही इन दोनों रेजिस्टेंस बैंड के बारे में बताएं तो इन दोनों का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, एंड साथ ही अपने लिए एक बेस्ट रेजिस्टेंस बैंड चुन सकते हो। तो गाइस इन तीनों रेजिस्टेंस बैंड को यूज करते हुए हमें 1 से 1.5 साल हो चुका है, तो इन तीनों का ही डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप इन्हें खरीद भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।